हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज देखेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। तो यह एमसीक्यू आपके जीपैट के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के भी लिए हेल्पफुल रहेंगे, और रेलवे की जो भी एग्जामिनेशन रहती है आपके फार्मासिस्ट की, उसके भी लिए ये जो एमसीक्यूज है ये आपको मदद कर सकेंगे। तो सबसे पहला हमारा कोई एमसीक्यूज है, कल हमने देखे थे 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस। तो उसमें हमने बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे थे। आज हम देखेंगे 25 से लेकर 15 क्वेश्चंस। तो देखते हैं वन बाय वन। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट ये कल भी हो चुका था, लेकिन इसमें फिर से रिपीट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इसका रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में कितना रहता है। तो आयोडीन का कितना रहता है हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट, 150 mcg। तो 150 mcg क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, डेमोग्राफी इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, डेमोग्राफी जो रहती है आपके जो भी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में आपको पढ़ाया गया होगा, डेमोग्राफी आपका जो चैप्टर रहता है लगभग सेकंड वाला चैप्टर रहता है, तो उसमें आपको बताया होगा कि डेमोग्राफी में क्या क्या आता है, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, उसके बाद सोशल मोबिलिटी एंड मैरिज, या फिर मॉर्बिडिटी। तो क्या आता है, मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी आपके बॉडी में होती है तो क्या हो सकता है, कंजेक्टाइवल जेरोसिस, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर केराटो मैलेसिया, या फिर रिकेट्स। तो क्या हो सकता है डिफिशियंसी अगर विटामिन ए की कमी हुई आपके बॉडी में, क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपने देखा होगा विटामिन का बायोकेमिस्ट्री में भी है और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में भी आपको बताया गया है कि विटामिन ए की अगर कमतरता होती है आपके बॉडी में या फिर कम गिर जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को आपको कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच रेटिनॉल इज इक्वल्स टू RIU। तो देखिए, जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का ही क्या है, एक कंपोनेंट है, उससे वो इक्वल्स रहता है। आयु कितने आयु के इक्वल रहता है, अगर रेटिनॉल की क्वांटिटी, हम एक रेटिनॉल की क्वांटिटी जो है इक्वल्स टू आयु, आयु इज इक्वल्स टू हमारा रेटिनॉल MCG में कितना रहता है, तो वह रहता है हमारा 0.3 mcg रहता है, या फिर 0.6 mcg, 1.2 mcg, या फिर 2 mcg। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.3 mcg इज इक्वल्स टू 1 IU। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, 1 gram ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द एनर्जी, 1 gram कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो क्या हो सकता है आंसर इसका करेक्ट, 4.75 किलो कैलोरी, या फिर 93 किलो कैलोरी, या फिर 4.1 किलो कैलोरी, या फिर 3.75 किलो कैलोरी। तो क्या रह सकता है इसका आंसर, द 1 gram ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द एनर्जी इज इक्वल टू 3.75 किलो कैलोरी। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल ओरिजिन, एनिमल से पाया जाता है, कौन सा वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, या फिर ग्लाइकोजेन है। तो कौन सा रह सकता है वो कार्बोहाइड्रेट जो कि एनिमल ओरिजिन है, वो कार्बोहाइड्रेट है हमारा ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल ओरिजिन है, मतलब एनिमल से हमें मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड इज, मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है हमारे बॉडी में, कौन सा है, लिनोलिक एसिड है, या फिर लिनोलेनिक एसिड है, या फिर एर्चिडोनिक एसिड है, या फिर स्टेरिक एसिड है। तो कौन सा एसिड रह सकता है, कौन सा एसिड रह सकता है, लिनोलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्पेलिंग जो है लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर यन जो है एक्स्ट्रा में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में जो है यन अब्सेंट है। तो मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, लिनोलिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ बायो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, किस ऑयल में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। तो कौन सा है, सनफ्लावर ऑयल में रहता है, या फिर सोयाबीन ऑयल में, या फिर ग्राउंडनट ऑयल में, या फिर पाम ऑयल में। तो किस ऑयल में ज़्यादा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं, तो वह ऑप्शन कौन सा रह सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, तो सनफ्लावर ऑयल जो रहता है
वो हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंसिस्ट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 33, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, सारे के सारे इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है एक को छोड़ के, कौन सा हो सकता है वो? एक वो कौन सा हो सकता है? थायरोसिन हो सकता है, या फिर सेरीन, या फिर ग्लाइसिन, या फिर वैलिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज वैलिन। वैलिन इज द नॉन इशन वैलिन इज द इसेंशियल अमाइनो एसिड, एंड अदर थायरोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन आर द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 35, ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, तो सारे के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड है एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से थे? थायरोसिन, सेरीन और ग्लाइसिन, यह नॉन इसेंशियल थे, और जो था वैलिन वो इसेंशियल था। लेकिन यहाँ पर ल्यूसिन, लाइसिन और फिनिलामाइन और टायरोसिन जो है यहाँ पर, ये क्या है? नॉन इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही देखा हमने क्वेश्चन नंबर 33 पे कि टायरोसिन, सेरीन और ग्लाइसिन क्या है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो वो इसेंशियल कैसे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रह सकता है? टायरोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है टायरोसिन। जेन क्वेश्चन नंबर 35, स्टेट ऑफ द सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज, तो किस स्टेट को सोशल डिसफंक्शन कहा जाता है? डिसीज को कहा जाता है, सिकनेस को कहा जाता है, इलनेस को कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दिस? तो किसे जो है सोशल डिसफंक्शन कहा जाता है? तो सिकनेस, सिकनेस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सिकनेस को ही कहा जाता है सोशल डिसफंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 36, इफिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज, एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड रहता है वो एजेंट हॉस्ट एनवायरमेंट है, या फिर एजेंट वेक्टर हॉस्ट है, या फिर वेक्टर कैरियर एनवायरमेंट है, या फिर एजेंट ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंट है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड किसे कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द एजेंट हॉस्ट एंड एनवायरमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज, पूरे पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस चेक करने वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर कौन सा है? क्रूड डेथ रेट है, या फिर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है, या फिर मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है, या फिर चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट है? तो कौन सा हो सकता है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 38, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्टेजियस डिसीज एक्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्टेजियस डिसीज है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, कौन सा हो सकता है? एड्स हो सकता है, पोलियो हो सकता है, या फिर ट्राकोमा हो सकता है, या फिर लेप्रसी हो सकता है, कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? पोलियो। पोलियो इज ऑल द फॉलोइंग आर कॉन्टेजियस डिसीज एक्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्टेजियस डिसीज है लेकिन पोलियो को छोड़ के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मिसलस वैक्सीन इज गिवन एट, मिसलस वैक्सीन कब दी जाती है? बर्थ के समय, या फिर 3 महीने बाद फ्रॉम द बर्थ, देन 6 महीने बाद फ्रॉम द बर्थ, देन 9 महीने बाद फ्रॉम द बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तब दी जाती है मिसलस वैक्सीन, या फिर 3 महीने बाद, या फिर 6 महीने बाद, या फिर 9 महीने बाद? तो कब दी जाती है मिसलस वैक्सीन? तो 9 महीने बाद जो है बच्चे को मिसलस वैक्सीन दी जाती है टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द मिसलस। देन 40 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, IUCD इज एन कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज, IUCD जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ एन स्पर्म इनटू द यूटेरस, देन प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओहम, देन इंटरफियर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओहम। तो IUCD इज द कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओहम। देन क्वेश्चन नंबर 41, इंट्रेंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, जो इंट्रेंसिक फैक्टर रहता है जो कि आपके बॉडी में आयन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो कौन से विटामिन पे डिपेंड रहता है? विटामिन B12 पे, विटामिन B6 पे, विटामिन D पे, या फिर विटामिन A पे? तो इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफकोर्स अगर वो आयन एब्जॉर्ब करता होगा तो आयन के डिफिशियंसी के वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो विटामिन B12 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 42, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरल एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वायरल एंजाइम का कार्बोनिक अनहाइड्रेस वो कौन सा है?
मैंगनीज है या फिर कैल्शियम है या फिर जिंक है या फिर आयोडीन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिंक। जिंक इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वायरल एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस। देन क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज एंटीटॉक्सिन सेरम प्रोवाइड। एंटीटॉक्सिन जो सेरम रहती है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें? एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है या फिर ऑल ऑफ दिस? तो क्या प्रोवाइड करती है हमें एंटीटॉक्सिन? वो हमें प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? पैसिव इम्यूनिटी। दैट इज द ऐसी इम्यूनिटी जो कि अपना वर्क नहीं करती। मतलब जो है एंटीटॉक्सिन्स अगर हमने लिए तो उसके बाद जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो डायरेक्टली फाइट नहीं करती, वो इनडायरेक्टली फाइट करती है। देन क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेस। विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डिसीज हो सकता है? बेरी बेरी हो सकता है या फिर स्कर्वी हो सकता है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस या फिर माइक्सोडीमा। तो क्या हो सकता है हमें विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हुई तो हमें? तो इसका आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी कब होता है? जब हमें विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है। देन डीपीटी इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट फॉर डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटानस इज एन इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनाइजिंग एजेंट फॉर। तो ऑफकोर्स इसका ऑप्शन मैंने ही आपको आंसर बता दिया, क्या हो सकता है? डिप्थेरिया। तो डीपीटी स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटानस। तो डिप्थेरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम। इंडिया हमें हम कहते हैं इंडिया को ये फ्री है, किससे? मलेरिया से फ्री है या फिर स्मॉल पॉक्स से फ्री है या फिर मिसलस से या फिर लेप्रसी से? तो इंडिया किससे फ्री है? स्मॉल पॉक्स से। तो इंडिया इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। देन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? सीरियल्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या फिर एग्स में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्स में। ज़्यादातर एग्स में क्या रहता है? ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। देन एंटामो अमीबा हिस्टोलिटिका इज एन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर। जो एंटामो अमीबा हिस्टोलिटिका किसके लिए क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, टाइफाइड के लिए है, कोलेरा के लिए है, प्लेग के लिए है या फिर अमीबाइसिस के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमीबाइसिस। तो एंटामो अमीबा, तो इससे ही हमें पता चलता है अमीबाइसिस। तो ये जो ट्रिक रहती है, ये जो अचानक से हमारे दिमाग में एक फ्लो चलता है कि एंटामो अमीबा हिस्टोलिटिका, तो अमीबा यहाँ पर आया तो अमीबाइसिस। इस तरीके से आप जो है इजीली जो है आंसर रिकग्नाइज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 49, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द टाइफाइड इज। टाइफाइड के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? साल्मोनेरा टाइफी, एंटामो अमीबा हिस्टोलिटिका, विब्रियो, कोलेरा या फिर नन ऑफ दिस? तो क्या हो सकता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफाइड? टाइफाइड अगर होता है तो उसके लिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉजेटिव रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो साल्मोनेला टाइफी इज द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफाइड। देन क्वेश्चन नंबर 50, द ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन टू द चाइल्ड एट द एज ऑफ। जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है बच्चे को, वो किस एज में दी जाती है? 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद या फिर 1 साल बाद? तो बच्चे को जो है ओरल पोलियो वैक्सीन 9 महीने बाद दी जाती है फ्रॉम द बर्थ। तो इस तरीके से आज हमने देखे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस। मतलब आज हमने कवर किए लगभग 26 क्वेश्चन। पहले इसमें हमने कवर किए थे 1 से लेकर 25 के 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी हम इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली अगले वीडियो की जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द फार्मा गाइड हिंदी। थैंक यू।